प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में कई आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजाति एसटी श्रेणी में शामिल करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वहीं 21 आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने और प्रदेश में शराबबंदी को लेकर आबकारी मंत्री कवासी लखमा से रायपुर संवाददाता ने खास बातचीत की। सरकार का बड़ा फैसला आया, अनुसूचित जनजाति में जनजाति समुदायों को शामिल किया गया है। ये केंद्र सरकार का फैसला आया है भूपेश बघेल का मातृ भूमि का, जो छत्तीसगढ़ में है, हमारा उस लोगों को आदिवासी में शामिल किया है। भूपेश बघेल जब प्रदेश अध्यक्ष थे, सरकार में आया, लगातार विधानसभा में पास किया और समाज में जाके बैठा, अधिकारी लोग मेहनत किए, तो यहां से प्रस्ताव जाने के बाद भारत सरकार किया है मेहनत, छत्तीसगढ़ का है और छत्तीसगढ़ सरकार का है और भूपेश बघेल जी का है। भाजपा का आरोप है कि शराब से ही अपराध बढ़ रहे छत्तीसगढ़ में। गुजरात में 40-40 लोग मर रहे हैं, वो किस अपराध में मरे? ये अपना गिरिभर में तो जागते नहीं है, वहां दारू बंद किए हैं। महात्मा गांधी का स्थान है, वहां महात्मा गांधी पैदा हुआ है, सरदार भाई पटेल का धरती है, वह नाम के लिए दारू बंद है, ऑनलाइन मिल रहा है।